उसे तो सिर्फ पानी पीकर वापस आना था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया? अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो वो कहेगी कि मैं बहुत टेंशन लेता हूं। हेलो अंकल, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, है ना? आप नरेन के साथ जा रहे हैं। लगता है आपने जो फैसला किया है उस बारे में नरेन को बताना चाहते हैं इसीलिए। हाँ ठीक है ठीक है, गुस्सा मत होइए। रेहान मेरे साथ नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ कौन सी जगह सही होगी आपके लिए। आप अंदर नहीं गए, आप यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, पर उसके लिए तुम्हें पहले आंखें बंद करनी होगी। चलो अपनी आंखें बंद करो, कम ऑन। ओके देखो प्लीज, तुम ना अपनी आंखें मत खोलना। ओके मत खोलो ना, हम गिर जाएंगे। तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मैंने बंद की थी। नहीं, तुम्हारी आंखें खुली थी, मैंने देखा था। वैसे टेंशन मतलब मैं गिरने नहीं दूंगा, कोई चोट नहीं पहुंचेगी तुम्हें। ठीक है, अब यहां रुक सकते हैं। ठीक है, अब शायद तुम्हें समझ आ ही गया होगा। ये खुशबू तो गुलाब की है। तुम ना, सच में तुमने अभी तक सरप्राइज को खत्म ही नहीं होने दिया। ये सब कब किया? बस तुम 8 मिनट के लिए यहां नहीं थी। 8 मिनट 8 सालों जितने लग रहे थे। सच में इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है ना? बिल्कुल जन्नत जैसी। तुम जिस भी पलस कमरे में रहती हो तो ऐसा लगता है कि ये जन्नत ही है। शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है।